हेलो फ्रेंड्स, ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। आज की क्लास में हम डीसी मशीन के क्वेश्चंस को कंटिन्यू करेंगे। लास्ट क्लास में हमने क्वेश्चन नंबर 75 तक देखा था, तो आज क्वेश्चन नंबर 76 से स्टार्ट करेंगे। ओके, लेकिन क्लास को स्टार्ट करने से पहले यदि अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबाएं सो दैट आपको नई नई वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। ओके फ्रेंड्स, तो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 76 ये कहता है कि इन प्लगिंग ऑफ अ डीसी शंट मोटर द रेसिस्टेंस इज इंसर्टेड इन द आर्मेचर सर्क्यूट इज विच ऑफ द फॉलोइंग। कहने का मतलब, जब हम एक शंट मोटर में प्लगिंग यूज करते हैं तो उस टाइम आर्मेचर सर्किट में एक एक्सटर्नल रेसिस्टेंस भी हम ऐड करते हैं। तो क्वेश्चन में पूछता है कि ये एक्सटर्नल रेसिस्टेंस आप क्यों ऐड करते हो ड्यूरिंग ब्रेकिंग। ओके, तो आपको पता ही होगा कि प्लगिंग के लिए हम मोटर के आर्मेचर टर्मिनल को रिवर्स करते हैं। यहाँ देखिए, दिस इज अ मोटरिंग मोड ऑफ दिस मोटर। इस मोटर का सप्लाई वोल्टेज V है, जिसकी पोलैरिटी कुछ इस तरह से शो किया हूँ, एंड दिस इज बैक ईएमएफ ऑफ दिस मोटर। नॉर्मल मोटरिंग मोड में V एंड EB बोथ आर सब्ट्रैक्टिव इन नेचर। यहाँ पर आप KVL लगा के चेक कर सकते हो। लेकिन जब इस मोटर में हम प्लगिंग यूज करते हैं उस टाइम पे आर्मेचर टर्मिनल को हम रिवर्स करते हैं, यानी कि इसको कुछ हम इस तरीके से कनेक्ट करेंगे, लाइक दिस। ओके, यहाँ पर यदि आप वोल्टेज की पोलैरिटी को शो करना चाहोगे तो ये कुछ इस तरह होगा। दिस इज माइनस एंड दिस वन इज पॉजिटिव टर्मिनल, दिस इज वी। और अब यदि आप यहाँ पे केवीएल लगाओगे तो यहाँ से ये क्लियर होगा कि वोल्टेज और बैक ईएमएफ विल बी एडिटिव। जब ये दोनों ऐड हो जाएंगे, इट मींस आर्मेचर के अक्रॉस जो वोल्टेज होगा दैट इज वेरी वेरी हाई। सो वेरी वेरी हाई करंट विल फ्लो थ्रू द वाइंडिंग, जिसकी वजह से हमारा वाइंडिंग डैमेज हो सकता है। इसलिए हम एक्सटर्नल रेसिस्टेंस ऐड करते हैं आर्मेचर के सीरीज में, ताकि करंट की वैल्यू कम हो जाए, ड्यूरिंग ब्रेकिंग करंट की वैल्यू कम हो जाए। तो ऑप्शन देखिए कौन सा सही होगा। ऑप्शन सी में कहता है कि लिमिट द आर्मेचर करंट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 77। ये कहता है कि द डायनेमिक ब्रेकिंग इज यूज्ड विद डैश डीसी मोटर्स। इसका मतलब, डायनेमिक ब्रेकिंग को हम किस मोटर में यूज करते हैं, सीरीज मोटर, शंट मोटर या फिर कंपाउंड मोटर। तो आंसर होगा ऑल ऑप्शंस आर करेक्ट, यानी कि ऑप्शन डी होगा आंसर, क्योंकि डायनेमिक ब्रेकिंग इन तीनों मोटर में एप्लीकेबल होता है। देखते हैं अब डायनेमिक ब्रेकिंग क्या होता है। इन दिस केस मोटर को सप्लाई से हम डिस्कनेक्ट करते हैं, यानी कि यहाँ का वोल्टेज हो जाएगा जीरो। ओके, और इसके साथ ही हम आर्मेचर वाइंडिंग के साथ सीरीज में एक एक्सटर्नल रेसिस्टेंस ऐड करते हैं। तो ऐसा करने से क्या होगा, सबसे पहले तो वी विल बी जीरो और आर्मेचर टर्मिनल से करंट बाहर की तरफ जाएगा, जिससे इसमें स्टोर्ड काइनेटिक एनर्जी इस एक्सटर्नल रेसिस्टेंस में हीट के रूप में डेसिपेट हो जाएगा और हमारा मोटर सेफली स्टॉप हो जाएगा। तो यहाँ पे आपने देखा कि इन केस ऑफ डायनेमिक ब्रेकिंग जो पावर होता है रोटर में उसको हम वेस्ट कर देते हैं, है ना। लेकिन इन केस ऑफ रीजेनरेटिव ब्रेकिंग इस पावर को हम एक्सटर्नल रेसिस्टेंस में वेस्ट नहीं करते हैं। तो यहाँ देखते हैं कि रीजेनरेटिव ब्रेकिंग के केस में काइनेटिक एनर्जी कन्वर्ट होता है इलेक्ट्रिकल एनर्जी के फॉर्म में, और ये इलेक्ट्रिकल एनर्जी डिलीवर किया जाता है बैक टू द सप्लाई मेंस। ओके, तो यहाँ से आपको नेक्स्ट क्वेश्चन का भी आंसर मिल गया होगा,
नेक्स्ट क्वेश्चन है 78, कहता है इसमें कि रीजेनरेटिव ब्रेकिंग के केस में मोटर एनर्जी इज व्हाट। तो ऑप्शन सी होगा इसका करेक्ट आंसर, जो कि है रिटर्न टू द सप्लाई मेंस। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 79। ये कहता है कि फील्ड कॉपर लॉसेस आर कांस्टेंट इन डीसी डैश मोटर, और हमारे पास ऑप्शंस हैं सीरीज मोटर, शंट मोटर, कंपाउंड मोटर एंड ऑप्शन डी इज नन ऑफ दिस। तो यहाँ देखिए, फील्ड कॉपर लॉस इज कांस्टेंट, फील्ड वाइंडिंग में जो करंट फ्लो करता है दैट इज आई एफ, और इसका जो कॉपर लॉस होगा वो होगा फील्ड करंट स्क्वायर यानी आई एफ स्क्वायर इनटू फील्ड वाइंडिंग का रेजिस्टेंस आर एफ। इसके बारे में कहा गया है कि दिस इज कांस्टेंट, यह कांस्टेंट तभी होगा जबकि आर एफ हमारा हो कांस्टेंट और फील्ड वाइंडिंग का करंट आई एफ भी हो कांस्टेंट। यदि आप बात करोगे सीरीज मोटर या फिर कंपाउंड मोटर के बारे में, तो इनके केस में क्या होता है, फील्ड वाइंडिंग का रेसिस्टेंस होता है कांस्टेंट, बट आई एफ जो इसका फील्ड करंट है दैट इज वेरिएबल। सो यहाँ से हमें जो कॉपर लॉस मिलता है वो वेरिएबल होता है। लेकिन जब आप शंट मोटर को देखोगे, इसके केस में क्या होता है, फील्ड वाइंडिंग का रेसिस्टेंस तो कांस्टेंट होता ही है और साथ ही इसमें फ्लो होने वाला करंट यानी कि आई एफ भी ऑलमोस्ट कांस्टेंट होता है, और इसीलिए हम कह सकते हैं कि इन दिस केस कॉपर लॉस विल बी कांस्टेंट। ओके, तो देखिए कौन सा ऑप्शन सही होगा, ऑप्शन बी इज करेक्ट यानी कि शंट मोटर। बढ़ते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 80। ये कहता है कि थ्री पॉइंट स्टार्टर इज कंसिडर्ड सुटेबल फॉर डीसी डैश मोटर्स, यानी कि इनमें से किन किन मोटरों में हम लोग थ्री पॉइंट स्टार्टर यूज कर सकते हैं। थ्री पॉइंट स्टार्टर को हम शंट मोटर और कंपाउंड मोटर के केस में यूज करते हैं, फोर पॉइंट स्टार्टर को भी हम शंट और कंपाउंड के केस में यूज कर सकते हैं, बट जो टू पॉइंट स्टार्टर होता है उसको हम सीरीज मोटर के केस में यूज करते हैं। ओके, तो जैसा कि इस क्वेश्चन में पूछा है थ्री पॉइंट स्टार्टर के बारे में, तो आंसर होगा डी यानी कि शंट एज वेल एज कंपाउंड मोटर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 81। ये कहता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग क्वांटिटी मेंटेन्स द सेम डायरेक्शन वेदर अ डीसी मशीन रन्स एज अ जनरेटर और एज अ मोटर, और हमारे ऑप्शंस हैं इंड्यूस्ड ईएमएफ, आर्मेचर करंट, फील्ड करंट एंड सप्लाई करंट। क्वेश्चन में कहता है कि डीसी मशीन यदि जनरेटर की तरह वर्क करे या फिर ये मोटर की तरह वर्क करे, दोनों केस में कौन सी क्वांटिटी है जिसका डायरेक्शन सेम होगा। तो आंसर होगा इंड्यूस्ड ईएमएफ, चाहे जनरेटर का इंड्यूस्ड ईएमएफ हो यानी कि ईजी जनरेटेड ईएमएफ, या फिर मोटर का इंड्यूस्ड ईएमएफ हो यानी कि बैक ईएमएफ, इन दोनों की पोलैरिटी सेम होती है। इसको समझने के लिए हमने यह एक एग्जांपल लिया और इस एग्जांपल के थ्रू अब इस मशीन को एक बार हम एज ए जनरेटर वर्क करा के देखेंगे और फिर नेक्स्ट हम देखेंगे एज अ मोटर। तो सबसे पहले देखते हैं इन केस ऑफ जनरेटर, ये है इसका टर्मिनल वोल्टेज दैट इज वी। जनरेटर के केस में यहाँ पर होगा जनरेटेड ईएमएफ दैट इज ईजी, जिसकी पोलैरिटी ऐसे ही होगी जिस तरीके से मैंने मार्क किया है, और यहाँ से करंट बाहर की तरफ जाएगा, दिस इज आर्मेचर करंट आई ए। यही करंट इस फील्ड से होते हुए गुजरेगा, दिस इज फील्ड करंट। यही करंट यहाँ से सप्लाई करंट या फिर लोड करंट बन के जाएगा। ओके, देखते हैं अब जब यह मशीन
वर्क करेगा एज अ मोटर, तो इस कंडीशन में भी जो टर्मिनल वोल्टेज होगा उसकी पोलैरिटी ऐसे ही होगी, और मोटर के केस में यहाँ जो बैक ईएमएफ इंड्यूस होगा उसकी पोलैरिटी कुछ इस तरीके से होगी, दैट इज़ ईबी। मोटर के केस में जो सप्लाई करंट या फिर लोड करंट होगा वो अंदर की तरफ होगा, दिस इज़ आईएल। यानी कि जो फील्ड करंट होगा ये भी कुछ इस तरीके से होगा, दिस इज़ आईएफ। और जो आर्मेचर करंट होगा वो भी कुछ इस तरीके से होगा, दैट इज़ आईए। अब यहाँ से आपको क्लियर हो गया होगा कि इंड्यूस्ड ईएमएफ इन बोथ द केसेस सेम डायरेक्शन में होते हैं, क्योंकि ईजी और ईबी की पोलैरिटी सेम है। यहाँ पर चेंज किसका डायरेक्शन हो रहा है, वो है आर्मेचर करंट, वो है फील्ड करंट, और वो है लोड करंट या फिर सप्लाई करंट। तो हम बढ़ते हैं ऑप्शंस की तरफ। यहाँ पर ऑप्शन ए कहता है इंड्यूस्ड ईएमएफ, तो आंसर यही होगा क्योंकि इंड्यूस्ड ईएमएफ का डायरेक्शन सेम होता है। नेक्स्ट है आर्मेचर करंट, तो ये नहीं होगा क्योंकि आर्मेचर करंट का डायरेक्शन चेंज हो चुका है, फील्ड करंट का भी डायरेक्शन चेंज हो चुका है, और सप्लाई करंट का भी डायरेक्शन चेंज हो चुका है। सो ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। ये है क्वेश्चन नंबर 82। इसमें कहता है कि सीरीज मोटर इज़ रनिंग एट रेटेड स्पीड विदाउट एनी एक्सटर्नल रेजिस्टेंस इन सीरीज। इफ़ एन एडिशनल रेजिस्टेंस इज प्लेस्ड इन सीरीज देन स्पीड ऑफ मोटर इज व्हाट। तो समझते हैं इस क्वेश्चन को। ये है हमारा सीरीज मोटर, दिस इज आर्मेचर रेजिस्टेंस, एंड दिस वन इज फील्ड रेजिस्टेंस, जो कि सीरीज मोटर के केस में ये दोनों सीरीज में कनेक्टेड होते हैं। ओके, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग इसकी अभी स्पीड है रेटेड स्पीड, और क्वेश्चन कहता है कि यदि हम इसमें एक एक्सटर्नल रेजिस्टेंस यहाँ पर ऐड करेंगे, दिस इज़ REXT, तो इस एक्सटर्नल रेजिस्टेंस को ऐड करने की वजह से स्पीड पे क्या फ़र्क पड़ेगा। ओके, इस क्वेश्चन में लोड के बारे में भी कुछ भी गिवन नहीं है, तो हम मानकर चलेंगे कि इस मोटर का लोड कांस्टेंट है, और जब लोड कांस्टेंट हो तो आर्मेचर करंट IA विल बी कांस्टेंट। देखते हैं अब बैक ईएमएफ कितना होगा इस मोटर का। EB विल बी इक्वल टू V माइनस लोड करंट IA इंटू आर्मेचर रेसिस्टेंस प्लस फील्ड रेसिस्टेंस एंड प्लस एक्सटर्नल रेसिस्टेंस जो कि हमने अभी ऐड किया है। ओके, इस एक्सटर्नल रेसिस्टेंस को ऐड करने की वजह से बैक ईएमएफ कम हो जाएगा, और जैसा कि हम लोग जानते हैं स्पीड n इज इक्वल टू EB डिवाइडेड बाय 1 कांस्टेंट kn इंटू फाई। इस केस में लोड कांस्टेंट है यानी कि IA कांस्टेंट होगा, और यही IA इसके फील्ड से गुजरता है यानी कि फील्ड करंट भी कांस्टेंट होगा, जिसकी वजह से इसका फ्लक्स कांस्टेंट होगा। चूंकि डिनोमिनेटर इसका कांस्टेंट है और बैक ईएमएफ कम हो रहा है, तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि इसकी स्पीड भी कम हो जाएगी। ओके, तो देखते हैं ऑप्शंस को। इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, यानी कि स्पीड इसकी घट जाएगी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 83। ये कहता है कि द मोस्ट इकोनॉमिकल मेथड ऑफ इलेक्ट्रिकल ब्रेकिंग इज व्हाट। यहाँ पर इकोनॉमिकल कहने का मतलब है सस्ता, और कोई भी मेथड सस्ता तभी होगा जबकि उसमें पावर लॉस कम होगा, यानी कि वेस्टेज ऑफ एनर्जी विल बी लेस। तो ऐसा किस ब्रेकिंग में पॉसिबल है? रीजेनरेटिव ब्रेकिंग। इसके केस में एनर्जी का वेस्टेज बहुत ही कम होता है, क्योंकि रीजेनरेटिव ब्रेकिंग के केस में काइनेटिक एनर्जी ऑफ मोटर इज डिलीवर बैक टू द सप्लाई। यानी कि मोटर के काइनेटिक एनर्जी को हम फिर से यूज कर रहे हैं, दिस एनर्जी इज रीयूज नॉट वेस्टेज। ओके, तो हम कह सकते हैं कि रीजेनरेटिव ब्रेकिंग
हमारा इकोनॉमिकल है, इकोनॉमिकल मेथड है, ऑप्शन ए इज करेक्ट। देखते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 84। ये कहता है कि प्लगिंग ऑफ अ डीसी मोटर इज नॉर्मली एग्जीक्यूटेड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग। जैसा कि आपको पता है कि प्लगिंग इज अ टाइप ऑफ इलेक्ट्रिकल ब्रेकिंग, जिसमें डेवलप्ड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक टॉर्क को रिवर्स करते हैं। टॉर्क के रिवर्स होने की वजह से रनिंग कंडीशन में जो मोटर होगी उसकी स्पीड n धीरे धीरे डिक्रीज होगी, और स्पीड डिक्रीज होके जीरो पे पहुंच जाएगी तो हम कहेंगे कि यह मोटर स्टॉप हो चुका है। यहां से अब बात आती है कि हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक टॉर्क को रिवर्स कैसे करेंगे। तो एज वी नो, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक टॉर्क डेवलप्ड इन अ मोटर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फ्लक्स इनटू करंट। ओके, यदि हम इस फ्लक्स को रिवर्स कर दें तो भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक टॉर्क रिवर्स हो जाएगा, या फिर हम आर्मेचर करंट को रिवर्स कर दें तो भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक टॉर्क रिवर्स हो जाएगा। यानी कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक टॉर्क को रिवर्स करने के लिए हमारे पास ये दो पॉसिबिलिटीज हैं। ओके, नाउ इस क्वेश्चन में जो कहता है कि इस डीसी मोटर में जो प्लगिंग हम यूज करेंगे वो किस तरीके से, ऑप्शंस को रीड करिए। ऑप्शन ए कहता है रिवर्सिंग द फील्ड पोलैरिटी, मैं इस पे क्रॉस करता हूँ। ऑप्शन बी कहता है रिवर्सिंग द आर्मेचर पोलैरिटी, मैं इसको सही बोलता हूँ। ऑप्शन सी कहता है रिवर्सिंग बोथ आर्मेचर एंड फील्ड पोलैरिटी, ये तो होगा ही नहीं, क्योंकि आर्मेचर और फील्ड पोलैरिटी दोनों को रिवर्स करने से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक टॉर्क रिवर्स नहीं होगा। ओके, इसलिए ये रॉन्ग स्टेटमेंट है। ऑप्शन डी कहता है कि कनेक्टिंग अ रेसिस्टेंस अक्रॉस द आर्मेचर, ये भी गलत है। ओके, फाइनली मैंने ऑप्शन बी को सही कहा। फिर आप यहाँ पे कह सकते हो कि जब आपने कहा कि हम फ्लक्स को भी रिवर्स कर सकते हैं या फिर आर्मेचर करंट को भी रिवर्स कर सकते हैं, दोनों ही केस में हमें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक टॉर्क रिवर्स मिलेगा, तो फिर इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए सही क्यों नहीं हुआ, ऑप्शन बी ही सही क्यों हुआ, क्योंकि दोनों को सही होना चाहिए। ऑप्शन ए कहता है रिवर्सिंग द फील्ड पोलैरिटी, जी हाँ, यदि हम फील्ड पोलैरिटी को रिवर्स करते हैं तो भी हमारा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक टॉर्क रिवर्स होता है। ओके, और यदि हम आर्मेचर पोलैरिटी को रिवर्स करते हैं तो भी हमारा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक टॉर्क रिवर्स होता है। ये दोनों ही सही हैं, ऑप्शन ए ऑप्शन बी दोनों ही सही हैं, लेकिन इन दोनों में नॉर्मली फील्ड पोलैरिटी को रिवर्स हम नहीं करते हैं। ये कहा है ना क्वेश्चन में कि नॉर्मली एग्जीक्यूटेड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग, तो नॉर्मली हम फील्ड पोलैरिटी को रिवर्स नहीं करते हैं, हम सिर्फ आर्मेचर पोलैरिटी को रिवर्स करके इलेक्ट्रोमैग्नेटिक टॉर्क को रिवर्स करते हैं। यानी कि यहाँ पे मैंने आपको जो दो पॉसिबिलिटीज बताई थी उसमें से फर्स्ट वाला भी हम अप्लाई कर सकते हैं और सेकेंड वाला भी हम अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन फर्स्ट वाला हम जनरली अप्लाई नहीं करते हैं, हम अप्लाई करते हैं सेकेंड वाला ही। तो आप ऐसा पूछोगे कि फर्स्ट वाला हम अप्लाई क्यों नहीं कर सकते, जबकि ऐसा करने से भी हमें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक टॉर्क रिवर्स मिलता है और ये बिल्कुल सही तरीका है, तो हम इसको अप्लाई क्यों नहीं करते हैं, आप ऐसा पूछ सकते हो। तो इसके लिए यदि आपने कहीं से भी मशीन का फुल कोर्स किया होगा या फिर कहीं से भी आप मशीन का फुल कोर्स करेंगे तो आपको ये चीज़ें डिटेल में समझाई जाएंगी। ओके, फिलहाल हम सिर्फ इस क्वेश्चन पे फोकस करेंगे और इसलिए स्टेटमेंट बी यानी कि ऑप्शन बी इज करेक्ट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 85। ये कहता है कि द डायरेक्शन ऑफ रोटेशन ऑफ अ डीसी शंट मोटर कैन बी रिवर्स्ड बाय इंटरचेंजिंग विच ऑफ द फॉलोइंग। यहाँ पे वर्ड यूज किया है कैन, ये कहता है कि कैन बी रिवर्स्ड बाय, हम किन तरीकों से इसके रोटेशन को रिवर्स कर सकते हैं। ऑप्शन ए कहता है द सप्लाई टर्मिनल्स, तो ये रॉन्ग स्टेटमेंट है,
सेकेंड स्टेटमेंट कहता है कि फील्ड टर्मिनल्स ओनली, यहाँ पे कहता है कि सिर्फ हम फील्ड को इंटरचेंज करके रोटेशन रिवर्स कर सकते हैं, यहाँ पे ओनली वर्ड यूज़ हुआ है, इसलिए दिस स्टेटमेंट इज़ ऑल्सो रॉन्ग। ऑप्शन सी कहता है आर्मेचर टर्मिनल्स ओनली, फिर यहाँ पे ओनली वर्ड यूज़ हुआ है इसलिए दिस स्टेटमेंट इज़ ऑल्सो रॉन्ग। ऑप्शन डी कहता है कि इधर फील्ड और आर्मेचर टर्मिनल्स, बिल्कुल ऑप्शन डी इज़ करेक्ट। या तो हम फील्ड को इंटरचेंज करेंगे या फिर आर्मेचर टर्मिनल को इंटरचेंज करेंगे, दोनों ही केस में डायरेक्शन ऑफ रोटेशन चेंज होगा। ओके, फिर आप कहोगे कि प्रीवियस क्वेश्चन में आपने तो सिर्फ कहा था कि आर्मेचर पोलैरिटी को ही रिवर्स करते हैं, तो ये बिल्कुल सही है कि हम करते तो आर्मेचर पोलैरिटी को ही रिवर्स, लेकिन हम फील्ड को भी रिवर्स कर सकते हैं, और इस क्वेश्चन में पूछा है कि क्या हम कर सकते हैं, दिस वर्ड इज कैन, हम ऐसा कर सकते हैं या नहीं। जी हाँ, आप बिल्कुल फील्ड टर्मिनल को भी इंटरचेंज करके रोटेशन के डायरेक्शन को चेंज कर सकते हैं। ओके, सो स्टेटमेंट डी इज़ करेक्ट। इन दोनों क्वेश्चंस के रिगार्डिंग मैं एक लास्ट स्टेटमेंट बोलना चाहूँगा कि वी कैन डू दिस बट वी आर नॉट डूइंग दिस। ओके, मतलब हम ऐसा कर सकते हैं, ये फील्ड के बारे में है, हम ऐसा कर सकते हैं लेकिन हम ऐसा करते नहीं हैं। ओके, अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 86। ये कहता है कि इन डीसी मशीन्स आर्मेचर रिएक्शन एमएमएफ इज विच ऑफ द फॉलोइंग। तो यहाँ देखिए, ड्यू टू आर्मेचर रिएक्शन आर्मेचर एमएमएफ इज स्टेशनरी विथ रिस्पेक्ट टू स्पेस। यहाँ पे हम स्पेस वर्ड यूज किए हैं, स्पेस की जगह पे आप कोई स्टेशनरी ऑब्जेक्ट भी ले सकते हो। ओके, स्टेशनरी ऑब्जेक्ट फॉर एग्जांपल स्टेटर ले सकते हो या फिर आप पोल्स ले सकते हो, क्योंकि डीसी मशीन के केस में पोल्स भी स्टेशनरी होते हैं, तो आप स्टेटर भी यूज़ कर सकते हो, पोल्स भी यूज़ कर सकते हो। इसका मतलब आर्मेचर एमएमएफ इज स्टेशनरी विथ रिस्पेक्ट टू स्टेटर, विथ रिस्पेक्ट टू पोल्स, विथ रिस्पेक्ट टू एनी स्टेशनरी ऑब्जेक्ट आउटसाइड द मशीन। ओके, बट आर्मेचर एमएमएफ इज रोटेटिंग विथ रिस्पेक्ट टू व्हाट, रोटेटिंग आर्मेचर। ओके, अब मैं आपको बता दूं कि आर्मेचर एमएमएफ का शेप क्या होता है, यदि क्वेश्चन में ऐसा कहीं पूछा जाए तो आप मार्क करिएगा ट्रायंगुलर, क्योंकि इसका जो शेप होता है वो होता है ट्रायंगुलर। फिलहाल इस क्वेश्चन पे आते हैं, तो ये कहता है आर्मेचर रिएक्शन एमएमएफ इज विच ऑफ द फॉलोइंग। यहाँ पे आप ऑप्शन सी को ऑब्जर्व करिए, लिखा हुआ है स्टेशनरी विथ रिस्पेक्ट टू स्टेटर, तो ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 87। ये कहता है कि डिफरेंशियल कंपाउंड मोटर्स आर मेनली यूज्ड इन विच ऑफ द फॉलोइंग। तो इसके लिए मैं आपको डायरेक्ट बता दूं कि डिफरेंशियल कंपाउंड मोटर का कोई भी एप्लीकेशन नहीं होता है। ओके, क्योंकि जो इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं वो किसी भी लोड के लिए सूटेबल नहीं होता है। ओके, सो इसे हम कहीं भी यूज़ नहीं करते हैं। मैं इसके कुछ बिहेवियर के बारे में बता दूं कि यह एक डिफरेंशियल कंपाउंड मोटर है, यदि आप इसको क्लॉकवाइज रन कराना चाहते हो और अभी स्टैंड स्टिल कंडीशन में है, तो ड्यूरिंग स्टार्टिंग ये ऐसा भी होगा कि ये क्लॉकवाइज में रन ना करे और ये एंटी क्लॉकवाइज में रन करने लग जाए। मतलब आपको ज़रूरत है कि यह मोटर क्लॉकवाइज में रन करे लेकिन ये एंटी क्लॉकवाइज में रन करने लग जाएगा। ओके, ये इसका एक अनएक्सपेक्टेड बिहेवियर है जिसके कारण हम इसे जनरली यूज नहीं करते हैं। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा? ऑप्शन डी इज करेक्ट, नॉट सूटेबल फॉर एनी प्रैक्टिकल एप्लीकेशन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 88। ये कहता है कि विच मोटर इज नॉट सूटेबल फॉर द एप्लीकेशन ऑफ सेंट्रीफ्यूगल पंप्स। और इसके लिए सबसे पहले आप डिफरेंशियल कंपाउंड मोटर को हटा दो, क्योंकि इसका कोई एप्लीकेशन है ही नहीं। ओके, नेक्स्ट आप सीरीज मोटर को हटा दो, तो अब आपके पास ऑप्शन है
शंट मोटर और क्यूमुलेटिव कंपाउंड मोटर। तो ये दोनों ही मोटर इस एप्लीकेशन के लिए सुटेबल है, लेकिन क्वेश्चन में पूछा है नॉट सुटेबल। ओ, जब ये नॉट सुटेबल पूछा है तो इसके लिए आप सीरीज मोटर में भी टिक कर सकते हो या फिर डिफरेंशियल कंपाउंड मोटर में भी टिक कर सकते हो। जब दोनों अवेलेबल है तो मैं सजेस्ट करूँगा कि आप डिफरेंशियल कंपाउंड मोटर पे टिक करो, ओके, क्योंकि इसका तो कोई एप्लीकेशन है ही नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 89। ये कहता है द कम्यूटेटर ऑफ अ डीसी मशीन एक्ट्स एज अ विच ऑफ द फॉलोइंग। फिर इस क्वेश्चन में सिर्फ मशीन वर्ड यूज हुआ है। ऑप्शंस को देखने के बाद इसको जनरेटर मानकर चलेंगे, क्योंकि चारों ऑप्शन में गिवन है रेक्टिफायर, और कम्यूटेटर रेक्टिफायर की तरह वर्क करता है इन केस ऑफ जनरेटर। यदि यहाँ पे रेक्टिफायर की जगह इन्वर्टर यूज होता तो हम मशीन को एज अ मोटर कंसीडर करते। नाउ देखते हैं अब कि आर्मेचर वाइंडिंग में जो ईएमएफ इंड्यूस होता है उसका वेवफॉर्म कैसा होता है। दिस इज द वेवफॉर्म ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ इन आर्मेचर वाइंडिंग, ओके। लेकिन जब यह वेवफॉर्म पास होगा कम्यूटेटर एंड ब्रश के कॉम्बिनेशन से और आपको पूछेगा कि बताइए ब्रश के टर्मिनल पे किस तरह का वोल्टेज होगा, तो दिस इज ई बी वन बी टू, ये हुए ब्रशेस। तो ये वेवफॉर्म कुछ इस तरह से आएगा विच इज यूनिडायरेक्शनल, ओके। इसने क्या किया, इस बायडायरेक्शनल वेवफॉर्म को यूनिडायरेक्शनल में कन्वर्ट कर दिया, ओके। ये काम है कम्यूटेटर एंड ब्रश के कॉम्बिनेशन का। यदि आप पावर इलेक्ट्रॉनिक्स सब्जेक्ट पढ़े होंगे तो आपको पता होगा कि इस तरह का वेवफॉर्म बायडायरेक्शनल, इस तरह के यूनिडायरेक्शनल वेवफॉर्म में यदि कन्वर्ट हो रहा है तो बाय यूजिंग फुल वेव रेक्टिफायर, दिस इज फुल वेव रेक्टिफायर, ओके। नेक्स्ट पॉइंट ये है कि ये फुल वेव रेक्टिफायर कंट्रोल्ड है या फिर ये अनकंट्रोल्ड फुल वेव रेक्टिफायर है, ओके। तो कंट्रोल्ड कहने का मतलब कि उसके आउटपुट वेवफॉर्म को हम कंट्रोल कर सकते हैं, और अनकंट्रोल्ड का मतलब है कि हम उसके आउटपुट वेवफॉर्म को कंट्रोल नहीं कर सकते हैं, ओके। पावर इलेक्ट्रॉनिक्स में हम दोनों तरह के रेक्टिफायर को पढ़ते हैं, कंट्रोल भी और अनकंट्रोल्ड भी। जो कंट्रोल्ड होता है उसमें हम SCR यूज़ करते हैं, सिलिकॉन कंट्रोल्ड रेक्टिफायर, और जो अनकंट्रोल्ड होता है उसमें सिर्फ डायोड यूज़ करते हैं। बट यहाँ पर कम्यूटेटर और ब्रश का कॉम्बिनेशन सिर्फ इसको बायडायरेक्शनल से यूनिडायरेक्शनल में कन्वर्ट करता है, इसके वेवफॉर्म को चेंज नहीं करता है, यानी कि दिस इज़ अनकंट्रोल्ड फुल वेव रेक्टिफायर, ओके, दिस इज नॉट अ कंट्रोल्ड। सो ऑप्शन सी में कहता है कंट्रोल्ड फुल वेव रेक्टिफायर, तो ये कंट्रोल्ड नहीं होगा। ऑप्शन ए कहता है जस्ट फुल वेव रेक्टिफायर, तो ऑप्शन ए इज करेक्ट, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 90। ये कहता है कि अंडर कम्यूटेशन गिव्स राइज टू विच ऑफ द फॉलोइंग। नाउ थोड़ा शॉर्ट में कम्यूटेशन को देख लीजिए, दिस इज कम्यूटेटर, ये इसके सेगमेंट्स हैं, सेगमेंट नंबर 5, 6, 7, और ये इसके बीच में माइकानाइट का इंसुलेशन है। दिस इज ब्रश, ओके, विच इज स्टेशनरी, और ये कम्यूटेटर जो कि फिक्स होता है रोटर पर, जैसे ही रोटर रोटेट करेगा ये कम्यूटेटर उसके साथ रोटेट करेगा। सपोज कम्यूटेटर का डायरेक्शन कुछ इस तरीके से है, ओके, जब ये इधर मूव करेगा और ब्रश स्टेशनरी होगा तो कुछ टाइम के बाद सेगमेंट नंबर 6 वो इधर चला आएगा और सेगमेंट नंबर 5 यहाँ पे आ जाएगा जो कि ब्रश को टच कर रहा होगा। तो अब यहाँ से देखते हैं सेगमेंट नंबर 6 को, कम्यूटेटर सेगमेंट नंबर 6, ये पहले ब्रश के साथ कनेक्टेड था और अब यहाँ से आगे निकल चुका है, इसलिए हम इसे कहेंगे आउटगोइंग कम्यूटेटर सेगमेंट, ओके। और
फोर्थ नंबर वाला ये अभी आने वाला है, इसलिए इसको हम कहेंगे इनकमिंग कम्यूटेटर सेगमेंट। अब हम इस ब्रश के बारे में बात कर लेते हैं। ब्रश का ये पोर्शन कहलाएगा लीडिंग एज और ये पोर्शन कहलाएगा ट्रेलिंग एज। ओके, अब हम बात करते हैं स्पार्किंग के बारे में। तो इस केस में स्पार्किंग यहाँ पर होने वाला है, स्पार्किंग इन दिस रीजन। ओके, तो हम कह सकते हैं कि स्पार्किंग अकर्स बिटवीन ट्रेलिंग एज ऑफ ब्रश, दिस इज ट्रेलिंग एज, एंड आउट गोइंग कम्यूटेटर सेगमेंट, इन दोनों के बीच में स्पार्किंग होता है। ओके, ये हम कह सकते हैं ना। तो देखते हैं ऑप्शंस को, तो कौन सा ऑप्शन सही होगा। ऑप्शन बी को देखिए, स्पार्किंग एट द ट्रेलिंग एज ऑफ द ब्रश, यानी कि ऑप्शन बी इज करेक्ट। ओके, क्योंकि स्पार्किंग होता है ट्रेलिंग एज ऑफ द ब्रश एंड आउट गोइंग कम्यूटेटर सेगमेंट के बीच में। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 91। ये कहता है कि फॉर अ डीसी जनरेटर ब्रशेस आर गिवेन अ स्मॉल अमाउंट ऑफ फॉरवर्ड शिफ्ट, द इफेक्ट ऑफ आर्मेचर रिएक्शन इज विच ऑफ द फॉलोइंग। यानी कि डीसी जनरेटर के ब्रशेस को हम फॉरवर्ड शिफ्ट करते हैं तो आर्मेचर रिएक्शन किस तरह का होगा। ओके, सबसे पहली बात जो कि इसने कहा है फॉरवर्ड शिफ्ट। तो फॉरवर्ड शिफ्ट का क्या मतलब है? इट मींस शिफ्टिंग ऑफ ब्रश इन द डायरेक्शन ऑफ रोटेशन ऑफ जनरेटर। ओके, चूंकि यह जनरेटर है इसलिए मैंने यहाँ पे वर्ड यूज किया जनरेटर। यदि यह मोटर होता तो फॉरवर्ड शिफ्ट का मतलब शिफ्टिंग ऑफ ब्रश इन द डायरेक्शन ऑफ रोटेशन ऑफ मोटर। ओके, यहाँ पर कुछ पॉइंट को आप नोट कर लीजिए कि ड्यू टू आर्मेचर रिएक्शन इन जनरेटर इट्स MNA शिफ्ट्स इन द डायरेक्शन ऑफ रोटेशन ऑफ जनरेटर। ओके, सेकेंड पॉइंट आप नोट करिए कि ड्यू टू आर्मेचर रिएक्शन इन मोटर MNA शिफ्ट्स इन द अपोजिट डायरेक्शन ऑफ रोटेशन ऑफ मोटर। ओके, यानी कि यदि हम जनरेटर की बात करें तो जिस डायरेक्शन में जनरेटर का रोटेशन है उसी डायरेक्शन में MNA शिफ्ट होगा, और यदि हम मोटर की बात करें तो जिस डायरेक्शन में मोटर का रोटेशन है उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में इसका MNA शिफ्ट होगा। क्यों शिफ्ट होगा? बिकॉज ऑफ आर्मेचर रिएक्शन। नाउ फोकस ऑन क्वेश्चन। ये कहता है कि यदि हम ब्रश को शिफ्ट करेंगे इन द डायरेक्शन ऑफ रोटेशन ऑफ जनरेटर तो आर्मेचर रिएक्शन कैसा होगा। तो इसका आंसर होगा आर्मेचर रिएक्शन विल बी पार्शियली क्रॉस मैग्नेटाइजिंग एंड पार्शियली डी मैग्नेटाइजिंग इन नेचर। यदि क्वेश्चन में होता कि MNA तो शिफ्ट हो गया बिकॉज ऑफ आर्मेचर रिएक्शन, लेकिन ब्रश को हम शिफ्ट नहीं कर रहे हैं, ब्रश अभी भी GNA पर है, ज्योमेट्रिक न्यूट्रल एक्सिस पर ही है, तो आर्मेचर रिएक्शन कैसा होगा। इस केस में आंसर होगा ओनली क्रॉस मैग्नेटाइजिंग। ओके, देखते हैं कौन सा ऑप्शन सही होगा। यहाँ पर ऑप्शन सी इज करेक्ट, पार्शियली डीमैग्नेटाइजिंग एंड पार्शियली क्रॉस मैग्नेटाइजिंग। ओके, यदि यहाँ पे ब्रश को शिफ्ट नहीं कराया जाता क्वेश्चन में तो आंसर होता डी, यानी कि टोटली क्रॉस मैग्नेटाइजिंग। ओके, यदि इसी क्वेश्चन में एक और वर्ड यूज कर देता कि फॉरवर्ड शिफ्ट तो हो रहा है बट बाय 90 डिग्री, तब इसका आंसर होता ए, यानी कि टोटली डी मैग्नेटाइजिंग नेचर। तो इस क्वेश्चन के जरिए हमने तीन क्वेश्चन को सॉल्व किया। ओके, बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 92। ये कहता है कि डीसी सीरीज मोटर में इट इज़ पॉसिबल टू हैव फाइनाइट नो लोड स्पीड। जैसा कि हमें पता है ये है सीरीज मोटर का कैरेक्टरिस्टिक। यहाँ पे आप देखिए दिस पोर्शन इज नो लोड, और यहाँ से क्लियर होता है कि सीरीज मोटर का नो लोड स्पीड इज इनफाइनाइट। तो इसीलिए रिकमेंड ये किया जाता है कि आप सीरीज मोटर को नो लोड पर रन ना कराएं। फर्स्ट पुट सम लोड ऑन दिस मोटर एंड आफ्टर दैट यू शुड स्टार्ट।
ओके, एज वी नो स्पीड इज इक्वल टू बैक ईएमएफ डिवाइडेड बाय वन कांस्टेंट के एन एंड फाई. सीरीज मोटर के केस में दिस फ्लक्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर्मेचर करंट. तो इसकी जगह पे मैं ऐसा भी लिख सकता हूँ कि बैक ईएमएफ डिवाइडेड बाय दिस कांस्टेंट के एन, और फ्लक्स को हम लिख सकते हैं सम कांस्टेंट के एंड आई ए. ओके, नाउ एट नो लोड मोटर विल ड्रॉ स्मॉल अमाउंट ऑफ पावर ओनली फॉर लॉसेस. तो इसलिए हम कह सकते हैं कि एट नो लोड आर्मेचर करंट विल बी नियर अबाउट जीरो. ये एग्जैक्ट जीरो तो नहीं होगा, बट वी कैन से इट इज नियर अबाउट जीरो. जैसा कि नो लोड करंट आई ए इज नियर अबाउट जीरो, सो वी कैन से दैट स्पीड ऑफ सीरीज मोटर इज वेरी वेरी हाई. नाउ क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ये कहता है कि क्या कोई तरीका है जिसे अप्लाई करने के बाद हमें नो लोड पर एक फाइनाइट स्पीड मिले. ओके, ये है क्वेश्चन का कहना. रीड करिए ऑप्शन को. ये कहता है ऑप्शन ए, रेसिस्टेंस इज कनेक्टेड अक्रॉस इस फील्ड टर्मिनल. ऑप्शन बी में कहता है कि रेसिस्टेंस को हम आर्मेचर टर्मिनल के पास कनेक्ट करते हैं. ऑप्शन सी कहता है रेसिस्टेंस को हम फील्ड वाइंडिंग और आर्मेचर के साथ कनेक्ट करेंगे. इन तीनों को देखने के बाद ऐसा कहीं भी नहीं लगता कि इसमें से किसी को भी अप्लाई करने के बाद नो लोड पर जो करंट आई ए नियर अबाउट जीरो था वो अब जीरो नहीं होगा, आई ए इनक्रीज हो जाएगा. ओके, जब तक आई ए इनक्रीज नहीं होता है एट नो लोड, तब तक इसकी स्पीड फाइनाइट नहीं होगी. ओके, इसलिए ये तीनों सही नहीं होगा. सो ऑप्शन डी इज करेक्ट, नन ऑफ दिस. नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 93. ये कहता है कि व्हाई इज इलेक्ट्रिकल ब्रेकिंग प्रिफर्ड. यानी कि मोटर के केस में आप इलेक्ट्रिक ब्रेकिंग ही क्यों यूज करते हैं, आप मैकेनिकल ब्रेकिंग अप्लाई क्यों नहीं करते हैं. तो इसमें से ऑप्शन को रीड करते हैं. इट इज स्मूथ, यस. इट्स मेंटेनेंस कॉस्ट इज लेस, यस. एनर्जी इज सेव्ड इन रीजनरेटिव ब्रेकिंग, यस. यानी कि ऑल ऑप्शंस आर करेक्ट, ऑप्शन डी इज करेक्ट. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 94. ये कहता है कि चेंजिंग द इलेक्ट्रिकल कनेक्शंस टू रिवर्स द डायरेक्शन ऑफ रोटेशन ऑफ मोटर रनिंग एट फुल स्पीड इज कॉल्ड व्हाट. यानी कि फुल स्पीड पे एक मोटर रन कर रहा है किसी भी पर्टिकुलर डायरेक्शन में. अब उसके डायरेक्शन ऑफ रोटेशन को रिवर्स करने के लिए हमने इलेक्ट्रिकल कनेक्शन को चेंज किया, तो ये किस मेथड के थ्रू हुआ. ओके, तो आंसर होगा बी, यानी कि प्लगिंग. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 95. ये कहता है कि इफ़ द फील्ड ऑफ अ डीसी शंट मोटर इज ओपन देन व्हाट विल हैपन. इसका मतलब शंट मोटर एक रेटेड स्पीड पे रन कर रहा है और अब हम इसके फील्ड को ओपन करते हैं. फील्ड ओपन होने का मतलब है कि फ्लक्स विल बिकम जीरो, और जब फ्लक्स हो जाएगा जीरो तो स्पीड विल बिकम इनफाइनाइट, यानी कि वेरी वेरी हाई स्पीड. ओके, दिस इज वेरी डेंजरस स्पीड फॉर दिस मोटर, जो कि इस मोटर को डैमेज कर देगा. कौन सा ऑप्शन सही होगा? ऑप्शन बी इज करेक्ट, द स्पीड ऑफ मोटर विल बिकम वेरी हाई. यानी कि ऑप्शन बी इज करेक्ट. जैसा कि आपको पता होगा कि मोटर को स्टार्ट करने के लिए हम स्टार्टर यूज करते हैं, जिसमें से शंट मोटर के लिए हम 3 पॉइंट स्टार्टर या फिर 4 पॉइंट स्टार्टर यूज करते हैं. ओके, यदि हम 3 पॉइंट स्टार्टर यूज करें तो 3 पॉइंट स्टार्टर हेल्प्स टू प्रिवेंट द शंट मोटर फ्रॉम दिस टाइप ऑफ प्रॉब्लम. ये जो हाई स्पीड की प्रॉब्लम हुई ड्यू टू फील्ड फेल्योर, इससे मोटर को बचाने के लिए 3 पॉइंट स्टार्टर यहाँ पर मोटर को डैमेज होने से बचाता है. ओके, यदि क्वेश्चन में होता
कि इस शंट मोटर में थ्री पॉइंट स्टार्टर लगा हुआ है और उसके बाद हमने फील्ड को ओपन किया है तो क्या होगा, तो आंसर होता सी, मोटर विल स्टॉप। यदि ये मेंशन किया होता कि शंट मोटर में थ्री पॉइंट स्टार्टर हमने लगाया है उसके बाद फील्ड फेल्योर हुआ है तो क्या होगा, ऐसे केस में मोटर विल स्टॉप, लेकिन थ्री पॉइंट स्टार्टर इसने मेंशन नहीं किया है तो मोटर की स्पीड बहुत ही हाई हो जाएगी। यदि ये फोर पॉइंट स्टार्टर भी यूज़ करता फिर भी मोटर की स्पीड बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाती, क्योंकि फोर पॉइंट स्टार्टर शंट मोटर को फील्ड फेल्योर प्रोटेक्शन नहीं देता है। ओके, सिर्फ थ्री पॉइंट स्टार्टर ही मोटर को फील्ड फेल्योर से बचाता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 96। ये कहता है व्हेन द इलेक्ट्रिक ट्रेन इज मूविंग डाउन अ हिल द डीसी मोटर एक्ट्स एज व्हाट। तो ये ट्रेन का केस है और जैसा कि हम जानते हैं कि फॉर ट्रैक्शन पर्पस वी यूज सीरीज मोटर। ये है सीरीज मोटर जो कि यूज किया जाता है इलेक्ट्रिक ट्रेन में। चूंकि दिस इज मोटर सो करंट फ्लोज लाइक दिस। यह ट्रेन यदि हिल से डाउन की तरफ आएगी तो वैसे केस में इसके आर्मेचर में स्टोर्ड काइनेटिक एनर्जी ये कन्वर्ट होगा इलेक्ट्रिकल एनर्जी में एंड गिवन बैक टू द सप्लाई मेंस। यही तो कहलाता है रीजेनरेटिव ब्रेकिंग। तो इस केस में क्या हो जाएगा, जो ये डीसी सीरीज मोटर था वो अब डीसी सीरीज जनरेटर बन जाएगा क्योंकि अब ये पावर डिलीवर कर रहा है। ओके, तो कौन सा ऑप्शन सही होगा, ऑप्शन सी इज करेक्ट, डीसी सीरीज जनरेटर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 97। ये कहता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग डीसी मोटर्स हैज द लीस्ट ड्रॉप इन स्पीड बिटवीन नो लोड टू नॉमिनल लोड। तो नो लोड से फुल लोड के बीच बहुत ही कम स्पीड ड्रॉप होता है, यानी कि हम कह सकते हैं कि ऑलमोस्ट कांस्टेंट स्पीड, यानी कि हम कह सकते हैं कि ऑलमोस्ट कांस्टेंट स्पीड। तो इसका आंसर होगा शंट मोटर। ओके, ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 98। ये कहता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग मोटर्स इज यूज्ड टू ड्राइव अ कांस्टेंट स्पीड लाइन शाफ्टिंग लेथ ब्लोअर्स एंड फैंस। तो कांस्टेंट स्पीड के लिए हम कौन सा मोटर यूज करेंगे, आंसर होगा शंट मोटर। ओके, ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 99। ये कहता है कि इन अ डीसी मोटर द विंडेज लॉस इज प्रोपोर्शनल टू व्हाट। तो विंडेज लॉस क्या होता है, विंडेज में यहाँ देखिए दिस इज विंड यानी कि हवा। जब मोटर रनिंग कंडीशन में हो तो उस केस में हवा और मोटर के साथ फ्रिक्शन की वजह से जो लॉसेस होंगे वो कहलाता है विंडेज लॉस। ओके, एंड विंडेज लॉस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्पीड का स्क्वायर। जैसे जैसे स्पीड बढ़ेगी विंडेज लॉस बढ़ेगा। ओके, सो ऑप्शन को देखते हैं, ऑप्शन डी में देखिए स्क्वायर ऑफ द स्पीड। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, दिस इज क्वेश्चन नंबर 100 एंड दिस इज द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस क्लास। ये कहता है कि वेरिएबल लॉस इन अ शंट मशीन इज व्हाट। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, यानी कि आर्मेचर कॉपर लॉस। आर्मेचर कॉपर लॉस एक वेरिएबल लॉस होता है, जबकि आयरन लॉस, शंट फील्ड लॉस एंड फ्रिक्शन एंड विंडेज लॉस ये तीनों कहलाते हैं कांस्टेंट लॉस। ओके, चूंकि शंट फील्ड में जो करंट फ्लो करता है IF वो होता है कांस्टेंट, एंड सो वी कैन से दैट शंट वाइंडिंग में जो लॉस होगा वो भी कांस्टेंट होगा। यदि यह कंपाउंड मशीन होता तो वहाँ पर सीरीज फील्ड भी यूज होता है। वैसे केस में आर्मेचर कॉपर लॉस तो वेरिएबल होगा ही, साथ में सीरीज फील्ड लॉस भी वेरिएबल होगा, बट शंट फील्ड लॉस यहाँ कांस्टेंट होता है।
इसलिए हम इसे कांस्टेंट लॉस में नोट करेंगे। नाउ अब एक क्वेश्चन पे आते हैं कि व्हाट विल बी द कंडीशन फॉर मैक्सिमम एफिशिएंसी। जैसा कि आप ट्रांसफार्मर में पढ़ चुके हैं कि कंडीशन फॉर मैक्सिमम एफिशिएंसी इज कॉपर लॉस इज इक्वल टू आयरन लॉस। ये कंडीशन होती है मैक्सिमम एफिशिएंसी की इन केस ऑफ ट्रांसफार्मर। बट अगर हम डीसी मशीन की बात करें तो इन केस ऑफ डीसी मशीन यदि लिखेंगे कि कॉपर लॉस इज इक्वल टू आयरन लॉस, ये कंडीशन है मैक्सिमम एफिशिएंसी की, तो ये रॉन्ग होगा। ये सिर्फ सही होता है इन केस ऑफ ट्रांसफार्मर, बट यहाँ पर ये स्टेटमेंट रॉन्ग होगा क्योंकि करेक्ट स्टेटमेंट होगा वेरिएबल लॉस इज इक्वल टू कांस्टेंट लॉस। जब आप ट्रांसफार्मर से कंपेयर करोगे तो ट्रांसफार्मर में ये कॉपर लॉस है वेरिएबल लॉस, और जो आयरन लॉस होता है वो होता है कांस्टेंट लॉस। बट अगर आप डीसी मशीन की बात करोगे, इसके केस में कांस्टेंट लॉस होता है आयरन लॉस प्लस फ्रिक्शन एंड विंडेज लॉस प्लस शंट फील्ड लॉस, और वेरिएबल लॉस होता है आर्मेचर कॉपर लॉस। ओके, तो इसलिए हम ये नहीं कह सकते हैं कि फॉर मैक्सिमम एफिशिएंसी कॉपर लॉस इज इक्वल टू आयरन लॉस। यहाँ पे हमें ये कहना होगा कि वेरिएबल लॉस इज इक्वल टू कांस्टेंट लॉस, या फिर हम ये भी कह सकते हैं कि आर्मेचर का कॉपर लॉस विल बी इक्वल टू आयरन लॉस प्लस फ्रिक्शन एंड विंडेज लॉस प्लस शंट फील्ड लॉस। ओके फ्रेंड्स, तो आज की क्लास में बस इतना ही। यदि आपको यह वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करिए, शेयर करिए। यदि अच्छा नहीं लगे तो आप कमेंट में यह जरूर बताएं कि इस वीडियो में किस तरह की कमी रह गई, ताकि मैं उसे सुधार कर सकूं और आपके लिए और भी अच्छा कंटेंट प्रोवाइड कर सकूं। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच एंड बाय बाय।